Dear students, the topic which we are going to discuss is hazard assessment, prevention, and control. Now we are going to discuss with the help of workers' compensations and noise. Whenever we talk about workers' compensation, it means that we are talking about incentives, benefits of the employees which they are getting from the organization. Workers' compensation and noise. In making determinations of such a relationship, फिजिशियंस कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स ऑन सेट एंड प्रोग्रेस ऑफ द इम्प्लॉइज़ हिस्ट्री ऑफ हेरिंग लॉस द इम्प्लॉज़ कम्प्लीट वर्क हिस्ट्री इम्प्लॉज़ को ये देखा जाता है कि अगर उसकी हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव में कि उसकी तमाम ऑर्गेनाइजेशन के साथ लाइलिटी रही है फॉर द होल लाइफ अगर कहीं पर कोई लॉस उसे हो जाता है हीरिंग लॉस हो जाता है या कहीं और फिजिकल प्रॉब्लम उसे आ जाती है तो वहाँ पर इंप्लाई को कम्पनसेट किया जाता है results of implied ontological examination results of hearing studies that have been performed determinations of whether causes of hearing loss originated outside the workplace If wo problem face within the organizations outside the organization outside the organizations organization responsibility identify and assessing hazardous noise conditions in the workplace involve number 1 कंडक्टिंग प्रियोडिकल नाइज सर्वे कंडक्टिंग पेडिक आटोमेट्रिक टेस्ट रिकॉर्ड कीपिंग एंड फॉलो अप एक्शंस ये चारों चीज़ें बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इम्प्लाईज़ नाइज है ऑर्गेनाइजेशनल नाइज है वर्क प्लेस नाइज है वो किस हद तक एम्प्लाई को इफेक्ट कर रहा है विक्टोरियल इफेक्ट डयर स्टूडेंट्स राइट ईयर दाया कॉन्फ्ट ईयर बाया कान और ये उसकी मुकम्मल डिटेल है कि किस तरह ये टेक्निकली वो चीज़ें उसकी फ़िट हैं और फिजिकली वो जॉब करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है नॉइज कंट्रोल स्ट्रेटीज नॉइज रॉइज पाथ एंड नॉइज़ सोर्स नॉइज़ कैन बी रेड्यूस बाई इंजीनियरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इंजीनियरिंग कंट्रोल डी स्टूडेंट्स वो कंट्रोल होता है जिसमें टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक मकैनिकल मेकोट्रॉनिक्स टेक्निकल एक्सपर्ट इन्वॉल्व होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वो है जो टॉप मैनेजमेंट सुपरवाइजर मार्केटिंग हेड फाइनेंस हेड ये लोग इन्वॉल्व होते हैं तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि नॉइज़ nice कंट्रोल हो आपको टेक्निकली और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल दोनों को वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई करना पड़ेगा नॉइज कंट्रोल स्ट्रेटजीज नॉइज कैन बी रिड्यूस एज इट्स बाई एन क्लोजिंग द सोर्स आल्ट्रिंग दल डिजाइन एज दोर्स ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का अंदाज चेंज कर दिया जाता है मशीन का ताकि वो जो सोर्स वो उससे नाइस nice क्रिएट हो रहा था वो स्टार्ट में ही खत्म हो जाए नाइस कंट्रोल नाइस कैन बी रिड्यूस अलॉन्ग इट्स पाथ बाई मूविंग सोर्स फार्दर फ्राम रिसीवर एंड इम्प्रूविंग द आकुपेशनल डिजाइन टू द पाथ वो जो टेक्निकल पाथ है जहाँ से वो नाइस nice सबमिट हो रहा है और जहाँ पर वो रिसीव हो रहा है उसके बीच में स्पेस को इन्हांस किया जाता है सम जो नॉइस nice क्रिएट हो रहा है उसको भी स्नब किया जाता है नंबर टू जब स्पेस एनहांस हो जाएगी उससे भी नॉइस काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है नंबर थ्री टेक्निकल एक्सपर्टीज जो रिक्वायर्ड्स हैं उनको यूज करके भी वो को कम किया जा सकता है नॉइस कंट्रोल स्ट्रेटजीज सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स अगर चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेफ्टी और जो नाइज है इसको कंट्रोल किया जाए तो दो चीज़ों को इन्हें फॉलो करना पड़ेगा पहली इंजीनियरिंग कंट्रोल और दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इंजीनियरिंग कंट्रोल में टेक्निकल एक्सपर्टीज हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में मैनेजमेंट एक्सपर्टीज हैं अगर ये दोनों इकट्ठी काम करेंगी तो ऑर्गेनाइजेशन में आप हैजर्ड असेसमेंट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पर काबू पा सकते हैं